हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 4/5। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, 1/5। भाई फ्रैक्शन में 1/5 फ्रॉम 4/5 मीन इससे इसको सेपरेट करना, यही तो कह रहे ना, 1/5 फ्रॉम 4/5, 1/5 फ्रॉम 4/5। तो हम क्या करेंगे, 4/5 हम आगे लिख देंगे, इससे किसको सेपरेट करना, 1/5 को। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फ्रैक्शन में, और हमारा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या कर देंगे, भाई 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और नीचे 5 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि 5 में से 5 गए 0 लिख देंगे, बिल्कुल 5 लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर है ये। अब ऐसे 5/6 माइनस 1/6, तो क्या बोल रहा, फ्रॉम इससे इसको सेपरेट करना। तो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, हमारा फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। 5 में से 1 गए, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये 6 है तो ये 6 आ जाएगा। ओके, अब देखो 3/7 फ्रॉम 5/7, मुझे 3/7 सेपरेट करना है किससे, 5/7 से। तो 5/7 से मुझे सेपरेट करना 3/7, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और ये 7, तो 2/7। 4/13 करना फ्रॉम 9/13, तो 9/13 से हमें सेपरेट करना 4/13। भाई सबसे पहले देखना कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सेम करने पड़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ तो सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करें, न्यूमिनेटर को माइनस कर देंगे। ओके, 9 में से 4 जाएगा, अब 9 से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा भाई, 9 में से 4 गया हमारा, 5 बचेगा। ओके, और ये 13 सेम डिनोमिनेटर, तो यहाँ 13 आ जाएगा, तो इस ढंग से हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके,